राजस्थान में रिश्वत लेते पकड़े गए अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उनके साथ आरएएस अफसर अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को भी जेल भेज दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि तलाशी में आईएएस पहाड़िया के बंगले से महंगी शराब की 17 बोतलें बरामद की गई है। खास बात तो यह है कि विदेशी ब्रांड की इन बोतलों की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पूर्व जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया, आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एसीबी ने आरोपियों के आवास और अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान नन्नू मल पहाड़िया के कलेक्टर बंगले से 1 लाख रुपए नकद और 17 बोतल महंगी ब्रांडेड विदेशी शराब जब्त की गई थी। बता दें कि नन्नू मल पहाड़िया बीते 14 अप्रैल को ही तबादला हो गया था। सरकार ने उन्हें जिला कलेक्टर के पद से हटाकर विभागीय जांच आयुक्त नियुक्त किया था। इस पद पर बैठा अफसर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों की जांच करता है। इससे पहले ही वह रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार हो गए। आरोप है कि कलेक्टर रहते पहाड़िया ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से बना रही कंपनी से 16 लाख रुपये मांगे थे। हाईवे निर्माण में रुकावट पैदा न करने के वजह आरोपी मंथली वसूली की जा रही थी। वहीं रिश्वत के 5 लाख रुपए पहले ही लिए जा चुके थे। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा शिकायतकर्ता बीते शनिवार को 5 लाख रुपए घूस की दूसरी किस्त लेकर आरएएस अधिकारी अशोक सांखला के पास पहुंचा और यहां से सांखला ने दलाल नितिन शर्मा को पहाड़िया के पास पैसा पहुंचाने के लिए भेजा। आपको बता दें कि इसी दौरान एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर पहाड़िया को भी कलेक्टर बंगले से अरेस्ट किया गया।